प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के इस गुरुवार सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस सुबह की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद राजाओं के राजा, आज का पिता परमेश्वर सुंदर सा समय हम मेरे पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास व्यतीत कर रहे हैं। यह हमारी खुश नसीबी है मेरे पिता परमेश्वर, यह हमारे ऊपर मेरे प्रभु जी आपकी दया है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ इस दया को बरसाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, और यह सुंदर सा मौका हमें दिया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो, प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद हो। मेरे पिता परमेश्वर मन आत्मा शरीर प्राण का नियंत्रण लेना, और प्रभु सभी भाई बहनों के घर परिवार को आपके हाथों में सौंपता हो मेरे प्रभु जी। आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा मेरे प्रभु जी इनके आसपास हो, ऐसे प्रार्थना करता हो मेरे प्रभु जी। इनके ऊपर कोई भी शैतान का अटैक काम नहीं करने पाएगा, क्योंकि प्रभु जी आपने इन्हें प्रभु जी अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है। आपने प्रभु जी हमें खरीदा है आपके बेशकीमती लहू से मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करता हो पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत दया के लिए, आपकी अद्भुत कृपा के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हम हमारे पिता परमेश्वर सोच विचार को आपकी इच्छा से चलाना चाहते हैं। सोच विचार हमारे प्रभु जी पवित्र रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। किसी के प्रति हमारे मन में चलचलाहट नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति हमारे मन में मेरे प्रभु जी कोई ऐसा कड़वाहट नहीं होनी चाहिए मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि हमारे मन के अंदर पिता परमेश्वर माफ़ करने का स्वभाव होना चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। हम माफ़ करते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है प्रभु जी। हमें सहायता करना इसी रीति से चलने के लिए, हमें सहायता करना इसी रीति से पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए। हमारा पूरा जीवन मेरे प्रभु जी आपको सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने ही हमें यह जीवन दिया है मेरे पिता परमेश्वर, इस जीवन में कैसे चले ये भी हमें आप आपके वचन के द्वारा सिखाते हैं प्रभु जी। आपके सभी सेवकों का नियंत्रण लेना जो इस इंडिया में सेवा करते हैं, फॉरेन कंट्री में सेवा करते हैं। हम नहीं जानते प्रभु जी वो कहाँ पिता परमेश्वर किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हर एक जन का नियंत्रण लेना ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें शैतान के हर अटैक से बचाना ऐसे हम विनती करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना को आपने सुना है, और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर आपने दिया है प्रभु जी। आपका नाम सब नामों में ऊंचा है मेरे पिता परमेश्वर। हम हमारे पापों को प्रभु जी मानते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हम उन पापों के और दोबारा प्रभु जी घूमना नहीं चाहते, उनकी और दृष्टि लगाना नहीं चाहते प्रभु जी। हमें सहायता करना, हमें गाइड करना, पवित्र आत्मा जी आइए और प्रभु जी आपकी इच्छा से चलने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद करता हूँ हमें सहायता रहे हो और प्रभु जी यीशु मसीह आगे बढ़ा रहे हो। आमीन आमीन।